नमस्कार। राज्यसभा के चुनाव सर पर हैं। बिहार भाजपा में किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, यह जल्द ही साफ हो जाएगा। 26 मार्च को बिहार की 5 सीटों के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, वरिष्ठ नेता आर के सिन्हा समेत जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश, रामनाथ ठाकुर और कहकशां परवीन का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। एनडीए के समक्ष इस बार बड़ा संकट खड़ा हो गया है, किसे राज्यसभा भेजा जाए और किसे राज्यसभा जाने से रोका जाए। अब विधानसभा के सदस्यों के गणित को देखा जाए तो एनडीए को नुकसान और महागठबंधन को फायदा होना तय है। कुल 5 सीटों पर चुनाव होना है। 3 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अब भाजपा की परेशानी यह है कि रिटायर होने वाले उसके दोनों सदस्य दिग्गज नेताओं की फहरिस्त में शामिल हैं। आर के सिन्हा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से जनसंघ और फिर भाजपा में बने हुए हैं। वो पिछले 54 साल से पार्टी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार के कायस्थ समाज में उनका अच्छा खासा असर माना जाता है। आर के सिन्हा बिहार के दर्जन भर कायस्थ संगठनों के संरक्षक हैं। चुनावी साल के लिहाज से भी आर के सिन्हा का टिकट कटना कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं देगा। अब आते हैं भाजपा के एक और दूसरे सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर पर। सीपी ठाकुर पुराने नेता हैं, कई बार पटना से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भूमिहार समाज से आते हैं। राजनीति की शुरुआत तो उन्होंने कांग्रेस से की थी, लेकिन आज भी वो भूमिहार समाज में खासे लोकप्रिय हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर के टिकट कटने का सिर्फ एक ही आधार हो सकता है, उम्र। लेकिन एक बात जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि सीपी ठाकुर के समर्थक बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। जब समाज की बात आती है तो वो विरोध प्रदर्शन और मुर्दाबाद जिंदाबाद से पीछे नहीं हटते। अब इन दोनों नेताओं की अनदेखी कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन आखिरी फैसला तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है कि वो किसे राज्यसभा भेजेगी और किसका टिकट काटेगी। यह तय है कि एक का टिकट इनमें से कटना तय है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार भाजपा किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है, क्योंकि ये दोनों ही नेता बुजुर्ग हो चुके हैं। वैसे समीकरण के हिसाब से दोनों में से सिर्फ एक रहेगा और एक जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार से भाजपा को राज्यसभा की सिर्फ एक ही सीट मिल पाएगी। धन्यवाद।